नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत में जमातियों की कारगुजारी को देखते हुए श्रीलंका की महिंद्रा राजपक्षे सरकार भी एक्शन में आ गई है। राजपक्षे ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए टोपीबाजों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में मजहबी मानसिकता वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। दुनिया ऐसे लोगों से तंग आ चुकी है और इन्होंने पूरी मानवता को मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी टोपीबाजों को आगाह किया है कि कोई भी संक्रमित टोपीबाज कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, बल्कि उसका दाह संस्कार किया जाएगा। किसी भी संक्रमित मुसलमान को कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किसी ने दुस्साहस किया तो श्रीलंका कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री पवित्रा वत्ताराची द्वारा जारी किए गए राजपत्र के तहत कानून में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि श्रीलंका में 200 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, जिनमें 7 की मौत हो चुकी है। इनमें 4 मुसलमान हैं, जबकि संक्रमित व्यक्तियों में 142 यही टोपीबाज हैं। श्रीलंका में वायरस को फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। श्रीलंका से कई जमाती पाकिस्तान में 10 मार्च को वे जलसे में भाग लेने पहुंचे थे। उनके वापस आने के बाद यहां आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, पर मामला यहां तक ही नहीं है। संक्रमित मुसलमान एक साजिश के तहत श्रीलंका के सिंगली समुदाय में इस वायरस को फैला रहे हैं। श्रीलंका सरकार को संदेह है कि ज्यादा मानसिकता के चलते यह लोग बड़े पैमाने पर वायरस का प्रसार कर सकते हैं। सिंगलियों ने अघोषित रूप से मुसलमानों से सभी लेन देन खत्म कर दिए हैं और वे उन्हें अपने नजदीक नहीं आने दे रहे हैं। सरकार ने भी सख्त संदेश देते हुए कहा है कि संक्रमण से मारे गए टोपीबाज की बॉडी को 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर 45 मिनट से 1 घंटे तक जलाया जाएगा। यह दाह संस्कार कब्रिस्तानी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्थान पर किया जाएगा। खास बात यह है कि श्रीलंका में कोरोना वायरस का पहला मामला 27 जनवरी को सामने आया था। संक्रमित व्यक्ति एक चीनी मुस्लिम महिला थी, जो श्रीलंका के मुस्लिम बावला इलाके से पकड़ी गई थी। इस महिला को स्थानीय मुसलमानों ने शरण दे रखी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके बाद श्रीलंका की मुस्लिम आबादी में यह संक्रमण तेजी से फैला, परंतु इनका शिकार वह गैर मुस्लिम भी बन गए जो मुस्लिमों के संपर्क में आए थे। मामलों में इजाफा होता देखकर सरकार ने 20 मार्च को कर्फ्यू की घोषणा कर दी, मगर यहां की मजहबी जमातें मस्जिद में नमाज पढ़ने से बाज नहीं आई। इस दौरान श्रीलंका पुलिस ने 820 लोगों को कर्फ्यू उल्लंघन के आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया। इनके 220 से ज्यादा वाहन भी जब्त किए। श्रीलंका पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने कहा है कि हमने भारत सरकार से काफी सबक लिया है। भारत में जमातियों ने जिस तरह वहां की जनता को मुश्किल में डाला है, उसकी पुनरावृत्ति देश में नहीं होने दी जाएगी। जिहादी मानसिकता की दादागिरी श्रीलंका में नहीं चलने देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो श्रीलंका कानून के तहत ऐसे तत्वों पर और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका में सभी मस्जिदों को सील कर दिया गया है। किसी भी टोपीबाज को कर्फ्यू उल्लंघन पर सीधे कड़ी धाराओं में निरुद्ध करके जेल में डालने का फरमान जारी किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय सिंगली समुदाय भी इन टोपीबाजों पर नजर बनाए हुए हैं और श्रीलंका पुलिस के साथ मिलकर इनकी धरपकड़ करवा रहे हैं। श्रीलंका की आबादी 2,10,00,000 के लगभग है। इसमें 70% बौद्ध हैं और तकरीबन 20,00,000 मुसलमान हैं। इन मुसलमानों में चरमपंथी तौहीद जमात का काफी प्रभाव माना जाता है, जो गैर मुस्लिमों के प्रति मुस्लिमों को न केवल भड़काती है, बल्कि उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित भी करती है। श्रीलंका सरकार को शक है कि एक साजिश के तहत ही मुसलमान संक्रमण का प्रसार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हुई 7 मौतों में 4 यही टोपीबाज हैं, मगर गंभीर स्थिति में भर्ती 40 केस में से 34 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। ऐसे में मृत शरीर का दाह संस्कार करने का आदेश श्रीलंका द्वारा बड़े समुदाय की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रीलंका के मूर, मल्ल, बोहरा, खोजा और मेमन मुस्लिम समुदाय अब पूरी तरह सरकार के निशाने पर है। कैंडी जिले के टेडनिया और उड़ीसी पटुआ की मस्जिदों में छुपे बैठे 8 से ज्यादा संक्रमित जिहादियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा बिंगरिया, डुमन, सूर्या, हेट्टी, पोला, कुलिया, पिटिया से 40 से ज्यादा टोपीबाज पकड़े गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि यह जानबूझकर संक्रमण फैला रहे थे। इनमें 10 लोग ऐसे भी हैं जो घर घर जाकर वाटर सप्लाई करते थे। जांच रिपोर्ट में यह सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।